जी कुछ दिनों में पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान लोग गया जाएंगे और अपने पितरों का तर्पण करेंगे। तर्पण करने के बाद उन्हें घर आकर और भी कुछ करने की आवश्यकता, जिसे तर्पण पूरी माना जाए। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। अब पितृपक्ष का महीना चालू होने वाला है। आश्विन महीना जो है वह पितृपक्ष, कृष्ण पक्ष जो होता है वह पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के लिए गया जाते हैं, लेकिन गया में पिंडदान करने के बाद यदि घर आकर के भगवान का पूजन नहीं करते हैं तो वह पिंडदान जो होता है वह अधूरा माना जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आप पिंडदान करने गया गए हैं और घर लौट करके भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु के नाम से सज्जा दान करें और अपने परिवारजनों का भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जिसे कि हम श्राद्ध भोज कहते हैं, गया भोज कहते हैं। गया भोज करने के बाद ही आपका तर्पण और पिंडदान पूरी मानी जाएगी।